प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं BCCLE का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर। तो मैंने आपको अपडेट दिया ही है, कई सारे लोग उसको देखे और मैंने आपको बताया कि रिज़ल्ट, कुछ लोगों का कहना है कि इसी मंथ यानी जुलाई में ही आएगा। डेफिनेटली लगभग संभावनाएँ हैं कि जुलाई में ही आपका जो है रिज़ल्ट आएगा, मैंने भी एक्सपेक्टेड आपको बताया था। तो वो तो सेकेंडरी चीज़ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मेनली मैं बात करने वाला हूँ, हमारे एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर, अगर मेरा 4000 से ज़्यादा रैंक आता है तो क्या मेरा रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, सवाल ये था। तो कुछ लोगों का कहना है, उनके कमेंट का रिप्लाई कुछ लोग दे रहे हैं कि नहीं दिखाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 30% से ज़्यादा लोगों को यही चीज़ दिखाया था तो नोट फाउंड। तो देखो डियर, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ पहले सुनो, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग पूरा अंत तक वीडियोस को देखते नहीं हो, समझते नहीं हो कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और आप जो है क्या कर देते हो, कमेंट कर देते हो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपका, अगर आप इंग्लिश पास रहोगे, है ना, अगर आप इंग्लिश पास रहोगे, इंग्लिश में अगर 35 नंबर आपका रहेगा तो आपका रैंक कितना भी हो, 4000 हो, 4100 हो, 4200 हो, 4300 हो, रैंक आपका दिखाएगा। मेरे पास कई सारे वैसे कैंडिडेट हैं जिनका मैं दिखा सकता हूँ कि रैंक जो है 4000 से ऊपर रहने के बावजूद भी उनको कॉलेज मिला है, है ना, 4000 से ऊपर रैंक होने के बावजूद भी उनको कॉलेज मिला है, ठीक है। लेकिन 4000 से ऊपर जिनका भी रैंक है उनको जनरली कौन सा ब्रांच मिलता है, या तो मैकेनिकल ब्रांच मिलता है या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलता है, है ना, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश पास रहोगे तब। कुछ जो लोग यहाँ पे मुझे कमेंट कर रहे थे उस स्टूडेंट के कमेंट में, रिप्लाई में, कि नोट फाउंड रिज़ल्ट जो है दिखाता है, तो नोट फाउंड रिज़ल्ट कब दिखाता है, जब आप इंग्लिश पास नहीं करते हो तब। इंग्लिश पास करोगे आपको रिजल्ट दिखाएगा, आपका रैंक दिखाएगा कि आपका कितना रैंक आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आने वाले समय में जब काउंसलिंग होगा तब आपको पता चलेगा। आप कितने कॉलेज चूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज में लॉट होगा या नहीं होगा, लेकिन रैंक दिखाना यानी रिजल्ट दिखाना ये पॉसिबल है अगर आप इंग्लिश पास कर जाते हो तो। BCC बोर्ड का यही कहना है कि भाई आप इंग्लिश पास करो हम आपका रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश पास नहीं करोगे हम आपका रिजल्ट नहीं देंगे। तो इंग्लिश पास होना कंपलसरी है, ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखो। जो लोग भी इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हो कि रिजल्ट नहीं दिखाता है, नोट रिजल्ट फाउंड बताता है, तो जो भी 30% लोग जो रिजल्ट नोट फाउंड है ना, उनका इंग्लिश निकला ही नहीं होगा। देखो होता क्या है ना कि आप क्या करते हो कि इंग्लिश मार के आ जाते हो, कितना 50 में 50 या 50 में 10, कि अरे 35 नंबर ही तो लाना है ना, 50 में 10 एगो मार देंगे तो 40 नंबर आ जाएगा, और दूगो क्वेश्चन गलत तो गया भाड़ में, गया भाड़ में। अब उसको तुम कर कुछ कर नहीं सकते हो, तो अगर दूगो गलत हो गया तो 8 नंबर तो पहले ही घटेगा और उसके बाद एक एक नंबर और, तो आपका तो 35 नंबर कहाँ आया, आया 35 नंबर नहीं ना आया जी। तो जब 35 नंबर नहीं आया तो फिर आपका रिजल्ट कैसे दिखाएगा, बताओ रिजल्ट कैसे दिखाएगा। तो रिजल्ट दिखाएगा कब, जब आपका 35 नंबर आएगा इंग्लिश में या उससे ज़्यादा रहेगा तभी दिखाएगा, नहीं रहेगा नहीं दिखाएगा भाई। उसका मार्क्स आपको BCCLE बोर्ड नहीं देता है कि आप इंग्लिश में इतना नंबर लाए हो। हाँ, अगर आप इंग्लिश में 35 नंबर ले लाए हो या 35 नंबर से ज़्यादा है तो आपका रिजल्ट दिखाएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लो, जो लोग भी बोल रहे हो कि रिजल्ट नहीं दिखाता है, ठीक है, एकदम रिजल्ट दिखाता है, 100% दिखाता है। अगर आप लोग प्रूफ बोलोगे दिखाने के लिए तो मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन मुझे उस स्टूडेंट से बात करना होगा, क्योंकि साल हो गया है ना, 1 ईयर्स को आपका बैक हो गया, तो अब कितने स्टूडेंट का मैं जो है अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में रखूँगा कि हाँ ये इतना रैंक लाया था। लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट का पता है कि कौन कितना रैंक लाया था, किसको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो मेरे पास है प्रूफ, मैं प्रूफ भी दिखाने के लिए तैयार हूँ कि 4000 से ऊपर रैंक होने के बावजूद भी रैंक जो है आता है, रिजल्ट आता है, बशर्ते आप इंग्लिश पास होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश पास हैं तो आपको दिखाएगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखाएगा, ओके।
बाकी जो भी डाउट्स होंगे आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिल सके। और आपका एक छोटा सा सहयोग जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि नहीं लोग जो है मुझे पसंद कर रहे हैं। ओके।